मुस्लिम आरक्षण की मांग तो हो रही है, लेकिन कोर्ट एम्पिरिकल डेटा मांगता है, क्या आरक्षण दिया गया तो कोर्ट में टिक पाएगा? देखिए, हम मुस्लिम समाज को आरक्षण देने की बात धर्म या मजहब के नाम पर हम लोग नहीं कर रहे हैं। मुस्लिम समाज में जो विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न बिरादरियां हैं, जो पिछड़े हैं, चाहे एजुकेशन में हो या सरकारी नौकरियों में हो या बाकी क्षेत्र में हो, ऐसे लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए 2012-13 में कांग्रेस एनसीपी की हमारी जब सरकार थी तो हम लोगों ने डॉक्टर महमूदुर रहमान आईएएस उनकी अध्यक्षता में समिति गठित की थी। उन्होंने सारे सर्वे किया था 2 साल तक पूरे महाराष्ट्र में। उन्होंने वो डाटा दिया था महाराष्ट्र की सरकार को, 2013 में रिपोर्ट सौंपी थी। उस आधार पर 2013-14 में कांग्रेस एनसीपी की सरकार ने विभिन्न प्रवर्ग के जो लोग हैं, 50 बिरादरी के लोग, उनको आरक्षण देने का निर्णय लिया था। सोशल और इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस की बुनियाद पर उनको देने का निर्णय लिया था, और जिसको हाईकोर्ट ने भी उस समय मंजूरी दी थी कि शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण चालू रखना चाहिए। लेकिन 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उस आरक्षणों को रोक दिया है। हमारी मांग है, आज हमने मुख्यमंत्री शिंदे जी से मुलाकात की है, उनको ज्ञापन दिया है, उनको महमूदुर रहमान समिति की सिफारिश, जिन बिरादरियों को आरक्षण देना जरूरी है उसकी यादी लिस्ट, वो सारी चीज उनको हमने बताया है। उन्होंने बैठकर गौर से सुना है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसकी हम जांच करके उस पर उचित निर्णय लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा इसी बात को कह के कि धर्म के आधार पर, जबकि हम लोग बार बार ये बात कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण दिया ही नहीं गया है, ना ही धर्म के आधार पर आरक्षण देने की मांग हो रही है। ये जो इकोनॉमिकल एंड सोशल बैकवर्डनेस जिन जिन बिरादरियों में है, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए उनकी यादी, बाकायदा उनकी सूची हमने दिया है बिरादरियों की, और वही निर्णय हम लोगों ने 2014 में लिया था। भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में बहुत अंतर है, इसलिए वो विशेष तौर पर एक विशेष संप्रदाय से संबंधित समाज के लोगों को मुख्य धारा में आने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए धार्मिक आरक्षण नहीं दिया जाएगा, इस तरह का प्रोपगंडा करके ये अन्याय कर रहे हैं। सवाल देखिए, हर समाज को सवाल, कोई एक विशिष्ट समाज की बात नहीं है, जो इकोनॉमिकल सोशल बैकवर्डनेस, जो पिछड़ापन है, वो पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, सबको मुख्य धारा में लाने के लिए देश के संविधान ने आरक्षण के माध्यम से प्रोविजन किया है और वो लागू होना चाहिए।